कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया, अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे। किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद से तमाम विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। इधर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए सपा नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में जालौन में सपा की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी पहुंचे थे, लेकिन जनसभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे सपा के प्रदेश अध्यक्ष की फजीहत होने लगी। दरअसल मंच पर अन्य नेताओं का भाषण चल रहा था और नरेश उत्तम वहां लगी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस दौरान कुर्सी पर बैठे बैठे नरेश उत्तम की आंख लग गई और वहीं सो गए। हालांकि कुछ देर बाद वो जागे और अपना भाषण भी दिया। भाषण के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो उनकी और पार्टी दोनों की फजीहत का कारण बन गया। चलिए आपको भी दिखाते हैं। कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया, अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे। किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। तो देखा आपने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उत्तम की किस तरह जुबान फिसल गई, लेकिन इस तरह तो अखिलेश की सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। एक और अखिलेश यादव पूरे दमखम से जनता को रुझाने में लगे हैं और जनाब नरेश हैं कि खुलेआम अपने ही नेता को कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और सुधार किया, लेकिन फजीहत तो हो ही गई और उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। वैसे नरेश उत्तम यही नहीं रुके, उन्होंने मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को इस्तीफा देने का एक और दिलचस्प बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही। इस्तीफा मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन भाजपा उस पर पर्दा डाल रही है और कांग्रेस मरहम लगा रही है। अब नेताजी की बातों से तो ऐसा लगता है मानो उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं। खैर राजनीति है, बयानबाजियां तो चलती ही रहेंगी, लेकिन देखना ये है कि ये बयानबाजियां चुनावी नतीजों में क्या मोड़ लाती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के केवल अखिलेश ही गए और उसके बाद घटना को भूल गए हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बना रही है या समाजवादी पार्टी बना रही है? कांग्रेस भाजपा में कोई अंतर नहीं है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, किसानों को तबाह कर दिया, अब घड़ियाली आंसू बहाएंगे। किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, 1-1 नौकरी देने की बात कही, 302 का मुलजिम बनाने की बात कही, इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे इस्तीफे की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर पर्दा डाल रही है और कांग्रेस उस पर मरहम लगा रही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री के बेटे पे इस्तीफे दबाओ, लेकिन मंत्री तो केंद्रीय अजय मिश्रा है। आप कह रहे हैं बेटे पे दबाव बनाया। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री दिल्ली वाले को और यूपी वाले को तो नैतिकता के आधार पर पहले ही दिन इस्तीफा देना चाहिए था, तब तो होता है कि राजनीति में कोई नैतिकता का मतलब है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।